to another video and good morning or good morning with you. And you will be on the head in. I shot at 11 p.m. Early 11. I got a project and recently carrying my video. And Twitter one and like community post. You are good here. So new video on the radio here now. So आइसक्यो आज सो भिडियोको टाइटल चाहिँ द आर्ट अफ ब्याड वर्ड्स भनेको छ होइन कुकी गरेर चेकेर आएर होइन कस्तो छ हेर्नेछौँ एन्ड ब्याड वर्ड्स भनेपछि बुझ्नुहोस् पिच हेडफोन इयरफोन फ्यामिलीसँग हेर्नुहोस् छुट्टै कुनामा बसेर हेर्नुहोस् सो त्यही भन्न चाहन्छु एन्ड इफ यु आर न्यू टु द च्यानल सब्सक्राइब गरिदिन्छु 73% आर नट सब्सक्राइब टु मेरो च्यानल अझै पनि होइन सब्सक्राइब छैन सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् एन्ड हिजो नोटिफिकेसन बेल त्यति गरिदिने हुन्छ एन्ड लेट्स सेलिब्रेट विथ एन एन्ड वाउ सो वी आर इनसाइड द भिडियो राइट नाउ अनि हेर यो 968 भ्युज छ क्या होइन यसमा तर लाइक 2,00,000 पुगिसक्यो अनि डिसलाइक 4,00,000 पुगिसक्यो द टाइटल अफ द भिडियो इज आर्ट अफ ब्याड वर्ड्स होइन हेर्नेछौँ द सी द भिडियो ल पज भइदिएर तो कैसे हैं आप लोग सुप्रभात भोसड़ी वालों आज मैं बात करने जा रहा हूँ शब्दों की कुछ ऐसे शब्द जो बाकी शब्दों से बिल्कुल अलग हैं ये शब्द आकर्षक भी हैं खतरनाक भी और इन्हीं दो तरीकों से लोग इनका इस्तेमाल करते हैं लेकिन इन शब्दों के बीच हमेशा एक पहचान का खेल चलता रहता है कि कौन आकर्षक है और कौन खतरनाक ये खेल इतना उलझा हुआ है कि किसी को एक शब्द खतरनाक लगता है तो किसी को आकर्षक तो आओ यार बिन बात के किसी की गांड में उंगली करना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बॉलीवुड के अब तुम मानो ना मानो गालियां हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचती हैं ऐसे समझो एक स्टेज है जिसपे कुछ शब्द नाच रहे हैं और जनता उन्हें देख के खुश हो रही है लेकिन अचानक स्टेज पे एक गांडू आ जाता है और बाकी शब्द जैसे गायब भी हो जाते हैं अब कोई उस गांडू को देख के खुश हो रहा है कि वाह क्या गांडू है तो किसी के बबूला का बुबालू फट रहा है कि ये गांडू यहां कैसे आ गया लेकिन सबका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस गांडू पे है अब ये गांडू आकर्षक है कि खतरनाक बस इसी चीज की लड़ाई है इन शब्दों की पेंचो मैं वो गांडू नहीं हूँ फालतू कनेक्ट मत मारो फिर लोग कहते हैं गालियों से पैसे कमा रहा है पैसों से याद आया ये है मीवी के डुओ पॉट्स M40 साउंड क्वालिटी तो बढ़िया है ही पर बेस पूरा कान वाइब्रेट कर देता है अपने केस में बैठे बैठे चार्ज हो जाते हैं ये पंख जैसे हल्के हैं इन्हें तुम कहीं भी लेके जा सकते हो और अपना सर तुम कितना ही घुमा लो ये निकलते नहीं है और मीवी इंडियन ब्रांड है पीछे इफेक्ट सुन रहे हो मैंने डाला मैंने सही है ना रोस्ट भी कर दिया पैसे भी कमा लिए हैं गाली की अब जब तुम किसी से बात करते हो तो तुम्हारी भावनाओं का मिलन होता है शब्द तो बस एक जरिया है गालियों का मतलब बुराई होता है इसमें कोई शक नहीं है पर ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हो जाती एक चीज होती है स्लैंग जो कि खुद में ही एक भाषा है इसमें शब्द वही इस्तेमाल होते हैं पर उनका मतलब कुछ अलग ही निकलता है आज की डेट में गालियां भी स्लैंग्स की तरह इस्तेमाल की जाती हैं। अब अगर मैं बोलूं विराट कोहली ने मैच में बात चोट दी इससे मेरा क्या मतलब है मैच की मम्मी के साथ विराट ने सेक्स कर लिया या फिर विराट बहुत अच्छा खेला खैर जब तुम गालियों को ऐसे इस्तेमाल करते हो तब वो विकसित होकर स्लैंग बन जाती है समझ में आ रहा है लेकिन तब भी गड़बड़ होने की एक्यूरेसी 90% है अच्छा चलो मैं तुमसे पूछता हूं क्या तुमने कभी लंड की सवारी की है If you're going to do it right. With Lund. Premium style, lasting performance. तो मैं अभी भी यकीन नहीं आता तो उसके प्रेसिडेंट से पूछ लो. Today at SEMA, we are here with Mitch Fogel, the president and CEO of Lund. And I think you want to tell us a little bit about something exciting that's been happening with Lund of late, hasn't it? It's thicker, it's stronger, has better characteristics for paintability. It's just a much far superior product. तभी मैं कहता हूँ कॉन्टेक्स्ट समझो सालो वीडियो निकल गई एक तो यूट्यूब है ना 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 वो तो मर चुका है अब बस यूट्यूब ही बचा है जो कि मेरी एक्स जैसा हो गया है मैसेज नहीं पढ़े जाते हैं कॉल नहीं उठते हैं और जब कभी कभी रात को यादें आ जाती है तो ये गाना सुनना पड़ता है
अब इनके आर्टिकल आ जाएंगे। We have strict policies that prohibit harassment on YouTube, including using malicious insults. We quickly remove content that violates these policies. Policies. भी कॉपीराइट आ जाएगा, इतना कमजोर सिस्टम है तुम्हारा। गंड की सवारी तो तुम ही कर रहे हो और मैं गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूं। अब गालियों का चाहे कुछ मतलब निकले, कुछ लोगों को ये शब्द हजम ही नहीं होते, उनकी छींची थूथ हो जाती है। ये लोग ज्यादातर हमारे माँ बाप के जमाने के लोग हैं। उस जमाने के हिसाब से जो गाली देता है वो पाताल लोक का सेवक, शैतान का प्रेमी, हैवान का आखिरी बीज, अरे एलुमिनाटी है भोसड़ी का। याद रहे ये वही जमाना है जब बिल्ली सही में रास्ता काट जाती थी। ये वही जमाना है जब बच्चों को डंडों से कूटा जाता था, स्कूल में भी, घर में भी और पड़ोस में भी। लेकिन यार ये लोग बहुत बढ़िया है, ये बोलने में कम करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, इसलिए बातें बाद में शादी पहले। ये सोफिस्टिकेटेड लोग समझाते भी बहुत बढ़िया है। इनका कहा अगले को समझ में ना आए तो ये वही शब्द और जोर से बोलते हैं जिनसे इनकी जिंदगी की सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। अगर तुम्हें लगता है ये अपने टाइम में शरीफ थे, साफ चूतिया काटा गया तुम्हारा। इनने दूरदर्शन नहीं देखा सिर्फ, इनसे पूछो ये क्या है, ये मैडम कौन है, इन्हें नॉस्टैल्जिया हो जाएगा। जमाना बदलता है, इंसान की फितरत नहीं। पहले पॉर्न मैगजीन में मिलती थी और अब यूट्यूब पे मिल जाती है। कुछ ज्ञानी, इंटेलेक्चुअल, चालाक निवास के सिपाही जिनने LLB, IIT, MBBS, MD, MDMA, LSD सब कुछ साथ में कर रखा है, इनके हिसाब से जो गाली देता है वो एक आधा जानवर है जिसके पास शब्द ही नहीं है। इससे पता चलता है ये कितने समझदार हैं। जब चार दोस्त साथ में बैठे होते हैं तो गाली पानी की तरह बहती है। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा गूद अतल स्पर्शी कारण है, ताकि मजा मार सके, जो बकचोदी काट सके, वो दोस्ती क्या जिसे चूतिया ना कहा जा सके। जरूरी नहीं है हर गतिविधि, कर्मता, एक्टिविटी के पीछे एक मिशन हो। इंसान बिना किसी तात्पर्य, अभिप्राय, आश्रय, मतलब के भी मौज मार सकता है। लेकिन ये समझने के लिए कुछ ज्यादा ही बुद्धिमान है। इनके लिए तुम गधे हो, मैं गधा हूं, पूरी दुनिया गधों से भरी है, और ये मानने का इन्होंने खुद को अधिकार दे रखा है, क्योंकि सूर्य की सबसे पहली किरण इनकी ही शानी गांठ पे पड़ती है। अब एक व्यक्ति जिसने पूरा दिन काम किया और घर आते आते उसकी हालत मरने जैसी हो गई, अगर उससे पूछा जाए कि तुम्हारा दिन कैसा था, तो उसके पास जवाब देने के दो तरीके हैं। पहला, कलयुग का ये अद्भुत दिन मेरे लिए इतना संघर्षपूर्ण और हताश रहा कि जलपान करने का अवसर ही प्रकट नहीं हुआ। दूसरा, आज गांड फट गई बहन चोद। दोनों के मतलब वही है, पर तुम्हें फालतू शब्द बोलने की फैटिश है तो उसमें कोई क्या करे। जो लोग इन ज्ञानियों को सुनते हैं उन्हें अपने और अपने फैसलों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम संवेदशील, अशंकित, असुरक्षित, इनसिक्योर हो, प्रायवाची की माँ की चूत। लेकिन इनका दर्द भी मैं समझ सकता हूँ। जब तुम इतने साल मेहनत करके पढ़ाई करते हो, अपना ज्ञान बढ़ाते हो, और फिर तुम्हें कोई नेशनल TV पे मादर चूत कह देता है। भाई आप लोग भी जानते हो यार, भाई भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते होंगे। चलो यार बस आज के लिए बहुत ज्ञान चोत लिया। मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये वीडियो समझ में आ गई होगी। आओ एक छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं। क्या इस वीडियो से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने घर में भैंचोत करते हुए फुदकते रहो? नहीं। ऐसे करोगे तो तुम्हारा बाप तुम्हें चाइनीज माल समझ के बैन कर देगा। क्या इस वीडियो से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जाओ लोगों को जाके भर भर के गालियां दो? नहीं। डिस्क्लेमर क्यों नहीं पड़ता कोई? वो ना तीसरे बच्चे जैसा है जिससे कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है, बस सजावट के लिए लगा रखा है। अब अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, एम करते हैं 4 मिलियन लाइक्स के लिए। सही बताऊं तो अभी मुझे भी नहीं पता क्या हिसाब चल रहा है। और तुम्हें पता है मीवी की सेल चल रही है। अरे बस यार बस हो गया। ये डुओपॉड्स ना मेरे फेवरेट बन चुके हैं। अगर तुम्हें भी ईयरफोन्स या हेडफोन्स की जरूरत है तो mivi.in पे जाओ और फटाफट देख लो, डुओपॉड्स और बाकियों पे 50% तक का ऑफ चल रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी हैगा। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे बच्चों को गाली सिखानी। बाय मोहित, 4 वाले बैच को 5 वाले के साथ शिफ्ट कर दे। So, it didn't the video and hope you guys love the video. Leave a like, comment, share and subscribe to the channel if you like the video. And if you don't like the video, you can go ahead and dislike it. Thank you. So I will see you in the next one. Peace.